बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि ललन जी को हटा के नीतीश कुमार को अध्यक्ष बना दिया जाए। ये सारी बातें हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही बता दी। ललन सिंह जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और बहुत लंबा और प्रगाढ़ संबंध रहा है नीतीश जी और ललन जी के बीच में। अपनी मजबूरियां उनकी हैं, क्षेत्र की राजनीति भी है, उनको चुनाव भी लड़ना है। इन सबके मद्देनजर उन्होंने खुद से यह प्रस्ताव दिया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, परिषद ने इसको स्वीकार किया कि नीतीश कुमार जी दोबारा से पार्टी के अध्यक्ष बने, तो इसमें आपत्ति कहाँ है? लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमारी पार्टी चलती है। जेपी लोहिया कर्पूरी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, जहां आंतरिक लोकतंत्र बेहद मजबूत है। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अलग अलग आशय और इसके अलग अलग मायने निकालने में लोग कितना इंटरेस्टेड है। खैर, लोग किसी भी हिसाब से चीजें निकालते रहे। देखिए, इसमें दो बातें सुखद और सुंदर दृश्य आज देखे हैं। हाँ, किस तरह से प्रगाढ़ संबंध दोनों नेताओं का है। दो बातें कही जा रही हैं, सुन लीजिए आप। दो बातें कही जा रही हैं, एक तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी का अध्यक्ष होने से कोई दिक्कत नहीं आती है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। ये पहली बार ये थ्योरी लेकर आप लोग सामने आए हैं, तो इसलिए कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी पर पकड़ कमजोर हो रही थी। अब जब पार्टी पे ही कमजोर पकड़ रहेगी तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी दावेदारी कितनी मजबूत रह जाएगी? क्या ये वजह भी थी जो बातें कही जा रही हैं तमाम दल के नेताओं की तरफ से? चलिए, कम से कम यह नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की पकड़ समाप्त हो चुकी है पार्टी पर। भ्रामक, तथ्यहीन, बेबुनियाद बातें हैं। नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता थे और आगे भी रहेंगे। ये बातें खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा, कार्यशैली, आंतरिक लोकतंत्र, कार्यकर्ताओं के मनोबल से जलते हैं, इसलिए इस तरह की कुकड अप स्टोरीज हमारी पार्टी के विषय में बताते रहते हैं। मैं पूरी तरीके से इन बातों का खंडन करता हूं, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। पार्टी का एक एक वर्कर, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, ललन सिंह जी भी जिस मुश्तैदी के साथ पार्टी को चला रहे थे, स्वागत, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने काम किया, वह भी बहुत बेहतर है, ठीक है, और लगातार सबके सहयोग से पार्टी चलती है। नीतीश कुमार जी के मेरे साथ सुबोध मेहता जी भी हैं, आगे भी मजबूती से चलेगी। ये जो कुछ लोग खुश हो रहे हैं उनको खुश होने दीजिए। अच्छा, ठीक है। सुबोध मेहता जी, सवाल मेरा आपसे ये है, एक बात बार बार कही जा रही थी कि जेडीयू के कुछ नेता जो हैं, कुछ एमएलए हैं, आरजेडी के संपर्क में हैं, पार्टी टूट भी सकती है, इस तरह की कई थ्योरीज आ रही थी। क्या इन तमाम अटकलों पर अब विराम मान ले हम? नीतीश कुमार जी की पार्टी पे अपनी पकड़ मजबूत हो गई है, ललन जी नहीं है अध्यक्ष। देखिए अखिलेश जी, मैं लगातार कह रहा हूं कि भारत की जनमानस का जो मेन मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, उन मुद्दों को अपहरण कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने बाजार के माध्यम से, और बाजार में भी 3-4 लोग ही प्लेयर हैं, और मीडिया के माध्यम से, जो कि मीडिया को आज जिस ढंग से मुद्दा उठाना चाहिए उन मुद्दों को नहीं उठाते हैं। तो ये मनगढ़ंत बातें थी, ये मनगढ़ंत बातों को फुल स्टॉप लग गया है। कोई कह रहा था इधर जा रहा है, कोई कह रहा था उधर जा रहा है, उसी में मीडिया लगी हुई थी। मेन मुद्दा मीडिया उठाती नहीं है, मनगढ़ंत बातों को किसी के पीछे, पर्दे के पीछे, जो सुबोध मेहता जी पर्दे के पीछे जो खिलाड़ी है उसके लिए बैटिंग। सुबोध मेहता जी अपने मुद्दे पे रहिए ना, मीडिया की बात करने लगते हैं तो मैं आपको लालू जी का एक ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। ये 29 नवंबर 2017 का ट्वीट है लालू जी का। वो उन्होंने तंज करते हुए लिखा था कि क्या आप पेट के दांत ठीक करने वाले किसी डेंटिस्ट को जानते हैं? बिहार में जनादेश का एक मर्डरर है जिसके पेट में दांत है। उसने सभी नेताओं और पार्टियों को ही नहीं बल्कि करोड़ों गरीब गुरबों को भी अपने विष दंत से काटा है। ये तो आपके सबसे बड़े नेता का कथन है, इसमें कहां से मीडिया आ गई? अखिलेश जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि आज बात हो रही है 29 दिसंबर 2023 की राष्ट्रीय परिषद की, उनकी मीटिंग जो हो रही है, आप मुद्दा उठा रहे हैं 2017 की। मुद्दा नहीं उठा रहा हूं, पेट में दांत वाली बात जो थी ना, उस पे याद आ गई, तब मैं आपसे कह रहा था। देखिए, तो वही तो कह रहा हूं, आपको याद भी आती है, जो पर्दे के पीछे जो आदमी है उसी की बात याद आती है। पर्दे के पीछे मैं लगातार कह रहा हूँ, मुद्दा कौन है पर्दे के पीछे? उठाते नहीं है, बात कहीं से कहीं लेके चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत बहुत मुश्किल, भारतीय जनता पार्टी बाजार के माध्यम से, किसकी बात आप कर रहे हैं, जनमानस का अपहरण कर रखी है।
मैं कह तो रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जनमानस का मुद्दों का अपहरण करती है मीडिया और बाजार के माध्यम से, मैं इसकी बातें कह रहा हूं। अच्छा, मतलब आप लोग सहूलियत के मुताबिक एक दूसरे से मिलते जुलते रहिए, कभी कोई पार्टी बांट ले, कभी सत्ता में बढ़ने के लिए कोई कुछ कर ले, उस पर सवाल ना खड़े किए जाए ना पूछा जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।